हाय गाइस, वेलकम टू आर्य। पता चला कि ये हॉन्टेड प्लेस वगैरह करके बहुत लोगों ने डाला हुआ यूट्यूब पे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, बिलीव मी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं काफ़ी सालों से रह रहा हूँ और ये हॉन्टेड वगैरह है, ये फालतू बातें। आज हमारे साथ कोई एक स्पेशल जग्गू है, जगदीश। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फोर्थ ब्लॉग। सो हियर वी गो। आपसे एक बार प्रॉमिस किया था कि तालाब के कमल को जरूर दिखाऊं। तो ये जो लोकेशन है, ये मॉडर्न बेकरी वाला रास्ता है। आई थिंक सेकंड ब्लॉग में मैंने आपको बताया था, मॉडर्न बेकरी के बाद ये यहाँ का रास्ता जाता है ऊपर न्यूजीलैंड हॉस्टल में। तो चलो तो चलते हैं न्यूजीलैंड हॉस्टल। और आज संडे है, संडे मॉर्निंग है, तो वहाँ पे काफ़ी क्रिकेट मैच होते हुए दिखेगा। मैंने भी अपने लाइफ में बहुत खेला है। और जग्गू, कभी क्रिकेट खेले हो वहाँ पे? नहीं, मैं तो न्यूजीलैंड हॉस्टल गया नहीं हूँ सर। और ये जो न्यू प्लेस है, बहुत सारे शूटिंग यहाँ पर हुए हैं, तो वो भी मैं अभी कवर करूँगा, मज़ा आएगा। आप यहाँ पर सुबह आते हो तो कुछ कमल के फूल देखने मिलेंगे। कैसे दिए? 20 का 4। ओके, सो 20 रुपए में 4। सो मैं बात कर लूँ आर्य की, तो यहाँ पर 86 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज के स्पेसीज हैं। ओके, 86। और बर्ड्स की अगर बात करें यहाँ पे तो 22 स्पेसीज हैं। यहाँ पे जो है पता ही होगा कि 290 डिफरेंट स्पीसीज है जो अपना वाइल्ड लाइफ का स्पीसीज है, एनिमल। इसमें से जो है 5 जो है वो वल्नरेबल, इट मींस व्हाट, जो वर्ल्ड दुनिया में आपको कहीं पे नहीं दिखेंगे। वो यही पे दिखेगा आपको आर्य में। तो ये है स्पेशलिटी आर्य का, जहाँ पर आपको बहुत डिफरेंट टाइप का बर्ड्स दिखेगा, अलग अलग तरह के ट्रीज दिखेंगे। जैसे राहुल ने बताया कि 22 डिफरेंट टाइप का स्पीशीज है बर्ड्स का, तो ये ऑसम है। यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर एक ही बस आती है, सिर्फ एक, वो है 342। और बस स्टॉप का जो नाम है वो है वनीचापाड़ा। सो जहाँ पे हम अभी खड़े हैं ये वनीचापाड़ा में आता है। तो यहाँ पे आरे में टोटल 27 ट्राइब्स है इसी तरीके से। तो हम अभी वनीचापाड़ा में घूम रहे हैं। सो इस प्लेस की सबसे बड़ी जो ब्यूटी है वो ये रही मेरे पीछे, है ना। यहाँ पे लोग शूट के लिए आते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, काफ़ी सारे पिक्चर्स की शूटिंग भी आप यहाँ पे देख पाओगे। तो ये लोकेशन ही ऐसी कुछ है, मज़ा ही कुछ है। तो अब मेरे पीछे जो आप देखने वाले हैं वो है न्यूजीलैंड हॉस्टल। सो ये रहा न्यूजीलैंड हॉस्टल। के बारे में अगर बात करूँ तो बहुत सारे न्यूज़ में आपको ये बात सुनने मिलेगी कि ये हॉन्टेड प्लेस है। और सच कहूँ, मैं भले ही दिन में आया हूँ यहाँ पे, कुछ इतनी शांति है यहाँ, इवन गेट पे भी कोई मुझे दिख नहीं रहा है, काफ़ी शांत पड़ा हुआ है, गेट के सामने भी कोई नहीं है। सो न्यूज़ वगैरह में काफ़ी मिल जाएगा आपको कि ये हॉन्टेड प्लेस है, बट ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पे। अब तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ, इतनी शांति है कि डरावने जैसा लगता है। जगो, कोई पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ का, हॉन्टेड प्लेस है काफ़ी सुना है मैंने न्यूज़ में, कोई पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा कभी? नहीं, यहाँ पे तो मैं आया हूँ, आज फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, लेकिन कुछ ऐसे मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे ऐसे कुछ बात है जो डरावनी है। कुछ स्टोरी डेफिनेटली हमने सुनी है कि बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, या फिर बच्चा जो है मम्मी को याद कर रहा है, ऐसे बहुत सारी स्टोरीज सुनी थी मैंने ये न्यूजीलैंड हॉस्टल से रिलेटेड। अच्छा। बट अभी आइडिया तो है नहीं, बट मुझे नहीं लगता है ये सब स्टोरीज है। और बहुत लोगों ने इसके बारे में इससे पहले भी कहा है कि ये सब स्टोरीज जो है वो सच नहीं है।
तो चलो न्यूजीलैंड हॉस्टल के अंदर चलते हैं। ये रहा न्यूजीलैंड हॉस्टल, अब इसके अंदर चलते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं कोई मिलता है कि नहीं। ये हॉन्टेड प्लेस जैसा फील क्यों आता है, मुझे लग रहा है इसी वजह से कुछ होगा। कोई दिख नहीं रहा मुझे यहाँ पे, सिक्योरिटी पे भी फिलहाल नहीं दिख रहा। ये चलते हैं ज़रा अंदर, कोई अगर हो तो बातें कर ले ज़रा। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, रूम वगैरह तो दिख रहे हैं यहाँ पे बट कोई दिख नहीं रहा जिससे बात हो सके। सो इतनी शांति होने के बाद लोग प्लेस को हॉन्टेड बना ही देते हैं, है ना जगू कुछ सही? इसीलिए शायद से जब भी कोई है नहीं तो लोगों के लिए तो हॉन्टेड प्लेस ही हो जाएगा। हाँ ऐसे ही कुछ फील हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ सब खाली है, कोई है नहीं बात करने के लिए। सो न्यूजीलैंड हॉस्टल से हम आ गए बाहर, अंदर तो कुछ स्पेशल था नहीं, कोई मिला नहीं, तो जितना हो सकता था मैंने आपको दिखाया, कवर किया। ये लोकेशन फ़िलहाल कोई मिल नहीं रहा है, लेकिन मुझे जहाँ तक समझ में आता है शूटिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है न्यूजीलैंड अगर दिखाना हुआ तो। ये उसके सामने का गार्डन है, अब जैसे ही हम निकलेंगे बाहर तो यहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड है जो स्पेशल ग्राउंड है। ग्राउंड पे अपने को क्रिकेट, वॉलीबॉल और क्रिकेटर्स बहुत मिल जाएंगे। ये बाहर का ग्राउंड है, यहाँ पे भी काफ़ी शूटिंग्स हुई हैं। फिलहाल आज संडे है तो काफ़ी मैच और वॉलीबॉल देख सकते हो। जो प्लेस हमने घूमा अगर वहाँ पे आपको आना तो एक ही बस आती है जो है 342, ये रहा बस स्टॉप और इसके पीछे ही रहा न्यूजीलैंड हॉस्टल और वो ग्राउंड जो मैंने आपको दिखाया वहाँ पे। सो आज के लिए बस इतना ही, स्पेशल थैंक्स टू जगदीश एंड दत्ता, काफ़ी दूर चला गया है, शर्मा रहा था कैमरे के सामने आने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।